there were two incidents which occurred in the recent past. One, Asif was assaulted mercilessly for drinking water from the temple. The other boy was Danish, who worked somewhere in the vicinity of the temple. The moment his identity was established, he made the same fate as of Asif. Now, this is the prejudiced and biased climate in our country, which has rather gone in upsurge and in full swing. A big related to this development, related to this very murky or very painful or very traumatic development, एक नया वाक्या सामने आया है कर्नाटक का. एक 10-12 साल का बच्चा है, भूखा था, किसी दुकान से उसने स्नैक्स वगैरह खा लिया, उसे मारा गया. उसकी माँ हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती रही. शी वेंट ऑन प्लीडिंग, लेकिन देर वॉज नो लेटर इन दी स्लीव ऑफ मर्सिलेस असॉल्ट. अल्टीमेटली दैट असॉल्ट हैज कल्मिनेटेड इन टू द डेथ ऑफ द बॉय. दिस इज वेरी, और वो पता नहीं किस कौम का है, किस मजहब का है, कौन है. वी आर दिस कंसर्न विद दैट. ये इंसानियत पर एक बदमाश आ गया. दिस इज एब्सोल्युटली अनसिविलाइज्ड कंडक्ट. वो किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस फिरके का है, इट इज ऑल इमटेरियल. बच्चा भूखा प्यासा है, 10-12 साल का है, भूखा है, उसको स्नैक खा ले जाता है. इस पनिश्ड विद डेथ इन द वेरी आईज ऑफ हिज मदर. अब हमारे मुल्क के जो हालात हैं उस पस मंजर में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे. प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गॉन टू बांग्लादेश. उन्होंने एक अच्छी बात की उधर. He professed his adherence to the secularism. He professed his adherence to the pluralistic values. और एक बात उन्होंने की कि radicalization जो है वो it should be restrained, और उसको radicalization को कम होना चाहिए. बहुत अच्छी बात. दैट इज यस थ्रोन लाइट ओवर दैट. अच्छी चीज है. लेकिन आप गैर मुल्कों में जाके रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है, आप अपने गरीबान में भी मुंह झांको, आप अपने गरीबान में भी देखो. हिंदुस्तान में आज जो हालात हैं, और नाउ pernicious efforts are on to fragment the society with all the radicalization. हमारे मुल्क में जो हालात है वो radicalization भी खत्म होना चाहिए. Irrespective any consideration, irrespective any thought, irrespective any discrimination, irrespective of anything, radicalization, चाहे वो किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी फर्के का हो, इट शुड डिक्लाइन. इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. और
रेडिकलाइजेशन से हमारे मुल्क का नाम ऊंचा नहीं हो रहा। आज जो ओल्ड मैन पॉलिटिक्स चल रही है, और आप जब खुद रेडिकलाइज हम हैं, हमसे मतलब हम नहीं है, हमसे मतलब जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ बोलते हैं, दे ऑल्सो नीड टू बी डी रेडिकलाइज, दे शुड ऑल्सो गिव अप द कल्चर ऑफ प्रेजुडिस एंड बायस। अब देखिए ये जो हालात हमारे मुल्क के बन रहे हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ तो बहुत बोलते हैं, वेरी गुड, वी डिनाउंस टेररिज्म इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, टेररिज्म को इट शुड बी क्रश्ड विद द हेवी हैंड, को चलना चाहिए, लेकिन बच्चों को मारना भी टेररिज्म से कम नहीं है, इट इज मोर देन टेररिज्म। अरे आप 15 साल 14 साल 10 साल के बच्चों को मार रहे हो, एंड यू आर जस्टिफाइंग क्राइम, कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ये जो हमारे मुल्क में हालात हैं, ये हालात हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, ये हालात they are internally damaging our society, they are internally playing havoc with the human values। ये जो अंदर से लोग इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं, ये अंदर के दुश्मन है। जो लोग तशद्दुद को भड़का, those who are provoking violence, they are the internal enemies। मुझे एक शेर याद आ रहा है जिसपे अपनी बात मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये शेर के बाद भी मजीद गुफ्तगू करके बात खत्म कर दूंगा। मेरा अज्म कितना बुलंद है, मेरा अज्म कितना बुलंद है कि पराए शोरों का डर नहीं, मेरा अज्म कितना बुलंद है कि पराए शोरों का डर नहीं, मुझे खौफ आतशे गुल से है, मुझे खौफ आतशे गुल से, कहीं ये चमन को जला ना दे, मुझे खौफ आतशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। हम एक अच्छा हिंदुस्तान चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को ह्यूमन वैल्यूज दे, लेट अवर चिल्ड्रन इम्बाइब ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन कल्चर। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा हो, हम हमारे बच्चों को क्रिमिनल नहीं देखना चाहते, हम अपने बच्चों को सही तालीम देना चाहते। वी वुड लाइक टू इम्पार्ट ऑल द क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज अमंग अवर चिल्ड्रन। वी वुड लाइक टू सी दैट अवर कंट्री अज्यूम्स अ बेटर शेप, ह्यूमन शेप। तो ये हमको, हम इस तरह की वाहियात हरकतें करके अपने बच्चों को तबाह करें, हमको इसको रोकना है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज देना है। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म करने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वसी बेटकर हु इज कोऑपरेटिंग विद मी, हु इज हेल्पिंग मी इन एक्सप्रेसिंग माई व्यूज ऑन द टॉपिक्स विच आर वेरी मच नीडेड और which are quite relevant to the practical needs of the society। Thank you very much।